नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तृतीय दिन महाउपाय नवरात्रि के तीसरे दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, हमारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान जरूर प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होती होगी तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले ही साफ सफाई शुरू होना शुरू हो जाती होगी, क्योंकि धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ही नवरात्रि आती है माता रानी जी से धरती पर वास करने आती है और वो अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन वास करती है। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, दूर दूर माता रानी जी के मंदिर में जाते हैं। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि यदि आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं तो इस आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, वे से उनकी पूजा पाठ करें, परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है, वो नवरात्रि के 9 के 1 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते। इसीलिए वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का यदि आप सही तरह से प्रयोग शारदीय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा। धनिया का विकल्प, यदि आपने इसे श्रद्धा दिए नवरात्रि के दौरान, धनिया के उस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने के हमेशा ना केवल आपको अपने जन्म जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपने धनिया का उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि यदि माता जी की पूजा, धनिया का प्रयोग किया जाए तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और यदि आपने शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन के हमेशा कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी।
इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और यदि माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि के वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर वास करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके, और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे, ये नवरात्रि के तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन कभी भी आप कर लीजिएगा। और नवरात्रि के नवमी को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आपको क्या करना है, देखिए एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको लेना है धनिया, इस धनिया को पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का प्रयोग करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। केवल इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की नवमी की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जा करके किसी भी नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, ये आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय यदि आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के हमेशा आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए ये उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है ये उपाय। और नवरात्रि के तीसरे दिन के हमेशा किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल, आधा नारियल ले लिया, आधे नारियल में भर दीजिए पूरा। आप लोग धनिया लेना है एक लाल कपड़ा, और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का प्रयोग करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। आप किसी भी नवरात्रि के तीसरे दिन के हमेशा आपको सूर्यास्त के हमेशा नहाना है, धोना है, नहाने धोने के हमेशा माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जला दीजिए। ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है जिसको आप लाल कपड़े से बांधा है इसको अपने हाथ में पकड़िए, दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के हमेशा दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को ले, जिस शाम को आपने ये उपाय किया है उसी शाम को ये नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिए। जहां से आप पैसा लेन देन करते बढ़ते हैं वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया ये नारियल माता रानी जी का वो वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके हमेशा आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और ये उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी,
तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपका लाखों रुपए है परंतु आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के केवल 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहा है, आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं, बिगाड़ क्या करना है। आपको देखिए नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा। जिस दिन भी ये उपाय शुरू कर रहे हैं लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के, हमेशा किसी भी दिन के सूर्यास्त के हमेशा एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के हमेशा इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने, अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये एक मुट्ठी धनिया ले जाइए, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। केवल इतना उपाय नवरात्रि के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आप जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के 30 से 34 दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाइएगा, 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। यदि आपने नवरात्रि के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता रानी जी कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके हमेशा आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय नवरात्रि के 3रे 4थे 5वें 6ठे किसी भी दिन कर लीजिए। बस ये उपाय आपको नवरात्रि के सूर्यास्त को करना है और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के हमेशा आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े क्यों पहनने हैं, क्योंकि माता अनिश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, लाल रंग के कपड़े पहनने के हमेशा माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर सूर्यास्त के हमेशा वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3-1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च आप लोगों को, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली पोटली बनाकर पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के हमेशा आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार जय माता दी का नारा कस कस के लगा दीजिएगा। इतना कीजिए, अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए,
अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय यदि लोगों ने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी पोटली, जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।